मेरा एक दोस्त है पूर्णा भाई, पूर्णा भाई वो कहीं पे रुकता नहीं है। वो इधर आया था, धमाकिल टू आया, मुझसे कुछ मिनट पहले आया था। वो यहाँ पे रुका नहीं, लेकिन मैं रुक गया हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है और पूर्णा भाई को बस एक ही चीज़ में फोकस करना है, काम पे काम पे काम पे। और वो मंथली 600 ऑर्डर कंप्लीट कर लेता है। वो फेक जीपीएस यूज़ नहीं करता है, मुझे पता है फेक जीपीएस यूज़ नहीं करता, बहुत ईमानदार बंदा है। हम लोग साथ में एक ही एरिया में रहते हैं, करामा में, और मैं सबका फ़ोन ना मैं ज़्यादातर मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन बंदा क्या कर रहा है। तो इतना दोस्ती यारी के संबंध में ना फ़ोन ऑन सारा चेक कर लेते हैं। तो जो बंदा मेहनत करता है उसे ऑर्डर मिलता है, यानी परफॉर्मेंस के सामने। परफॉर्मेंस को समझना इतना आसान है कि भाई परफॉर्मेंस किस तरीके से समझा जाता है, आप देखिए कंटिन्यू। और स्वागत है आप सभी को मेरे व्लॉग में। तो नमस्कार दोस्तों, ये रहा धमाकिल टू। धमाकिल टू यानी रेगिस्तान, यानी डेजर्ट सफारी। शाम को यहाँ पर कबाब वबाब सेकते रहते और लड़कियाँ फोटो सेशन करते रहते। और आज है शनिवार, वो संडे, आज है संडे। और संडे के दिन यहाँ पे काफ़ी लोग आएगा। कब आएगा? शाम के, जब सूरज ढलने के टाइम पे। तो यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, और इसी नज़ारे को शूट करने के लिए मैं यहाँ पे तलाबात में मेहनत कर रहा हूँ। मुझे चाहिए ड्रोन, मुझे चाहिए कैमरा, मुझे चाहिए DSLR, मुझे चाहिए Insta360X4, सारा सब कुछ चाहिए भाई। इसके लिए तो आपको अच्छा से काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और धूम मचाओगे और आपको भी धूम मचाना पड़ेगा भाई। ये छोड़ो फेक GPS UPS, अपने जहन से दिमाग से हटा दो, ईमानदारी से काम करो, परफॉर्मेंस के हिसाब से काम करो। ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर। अभी तो फिलहाल ऑर्डर नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ यार चाइनीज़ फ़ोन से। तो चाइनीज़ फ़ोन की क्वालिटी ये रहा, वाइल्ड एंगल ज़बरदस्त है, लेकिन टेम्परेचर देखो यार, सुबह के 7:30 बज रहा है, टेम्परेचर अभी भी ख़तरनाक है, पसीना निकलने लगा है, गर्मी हो गया है, निकलना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस को फोकस करेंगे भाई, कंटिन्यू देखिए वीडियो में, ठीक है? धन्यवाद, शुक्रिया। और नए आए हो तो भैया सब्सक्राइब करके ही जाना। दुबई के ऐसे ऐसे मनोरंजन है, बातें, इंटरटेनमेंट। एक वीडियो क्रिएटर का काम क्या होता है? वीडियो बनाना। तो ऐसे बनाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे पहले। तो कंटिन्यू परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस आपको समझना है तो भाई बेखूबी से आपको एक काम करना होगा। आपको एक भी ऑर्डर मिस नहीं करना है, आपको तलबात कहीं भी भेजे, किसी भी हालात में आपको जाना है। और ये रहा कि मेरा ये 4 साल के करियर में, मेरा 4 साल तो होने वाला है, तो मैंने 4 साल में मैंने ये चीज़ सीखा हूँ तलबात के एप्लीकेशन से, भाई ऑर्डर क्यों नहीं आता है, ऑर्डर क्यों नहीं आता है? क्योंकि मैं हूँ ना समझ बंदा, मैं कहीं भी जाता हूँ मैं रुक जाता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा गलती है, यह तलबात की गलती नहीं है। तलबात ने तो हमें काम दिया है, आपको काम दिया है, तो आप तो इसी में फोकस करोगे ना भाई। मैं फोकस करता हूँ यूट्यूब में, मैं फोकस करता हूँ वीडियो में, और यही सब है। और आपको क्यों नहीं ऑर्डर आता है? आप फोकस करते हो VPN में, आप फोकस करते हो फेक GPS में, आप फोकस करते हो अपने फैमिली के साथ बात करने में ऑनलाइन के टाइम पे, तो ऑर्डर आएगा कहाँ से? आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ दिन पहले, ये 3 दिन पहले की बात है, जो कि आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिए, मेरे पास एक ऑर्डर आया था सिर्फ 16 दिराम का। तो वो ऑर्डर में लेके गया था JBC से ये ऑर्डर में लेके गया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है? और उसके बाद फिर मैं घूमते घूमते वापस आ गया, मैं एक जगह पे बैठता नहीं हूँ, घूमते घूमते वापस आ गया, दुबई हिल पहुँचा। दुबई हिल जैसे पहुँचा, एक और मुझे ऑर्डर मिल गया 12 दिराम 5 पैसे का, और उस ऑर्डर को मैं लेके गया था अलखवानिज, जो कि 35 किलोमीटर। हम ऐसे ही आजकल ऑर्डर नहीं कर रहे, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, कहीं भी मैं जाता हूँ मैं रुकता नहीं हूँ। अभी भी ये वीडियो बनाने के लिए बस रुका हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 से लेकर 5 मिनट तक रुकूँगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। पहला ऑर्डर लेके आया था धमाकिल टू पे, तो मैं अभी धमाकिल टू के रेगिस्तान पे मैं घूम रहा हूँ। और आजकल मैं वीडियो नहीं बनाने का मूल कारण ये रहा कि मैं अपना परफॉर्मेंस को ठीक कर रहा हूँ, वीडियो में थोड़ा कम आ रहा हूँ। परफॉर्मेंस को ठीक करने में सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, ऑर्डर आप देखो, ऑर्डर कहीं की भी हो एक्सेप्ट करो, और बिना टाइम लगाए, बिना टाइम जाए किए हुए आप निकल जाओ। उसके बाद कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचा, आपको तुरंत ड्रॉप अप करना है, ड्रॉप अप करके आप वहां से निकल जाओ। मैंने काफ़ी दोस्तों को मैंने देखा हूं, जब ऑर्डर पिक कर लेता तो सिगरेट पीने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं, और उसके बाद कस्टमर के पास पहुँच गया तो सोचता है कि चलो मैं अभी कस्टमर को सामान दे दिया और मैं
बगैर ड्रॉपअप किए हुए यहीं पे मैं खाना खा लेता हूँ, अथवा मैं ये बगैर ड्रॉपअप करते हुए सीधा अपने एरिया पे मैं वापस चला जाता हूँ। तो इसमें होता है परफॉर्मेंस ख़राबी, तो ये मुझसे होता रही है। मैं कहीं भी जाता हूँ ऑर्डर पिकअप कर लेता हूँ, ड्रॉपअप कर लेता हूँ, कहीं रुकता भी नहीं हूँ आजकल। इस वजह से मैं वीडियो कम ही लेके आ रहा हूँ, और इतना आसान है यार तलबात के एप्लीकेशन को समझने में इतना आसान है। तो यह तो मुझे पहले से पता था क्योंकि मैं वीडियो के चक्कर में फंस जाता था। तो आप भी ये फ़ोन वोन छोड़ो, आप भी फैमिली के साथ लगे रहते हो, VPN पे लगे रहते हो, तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहा है इस टाइम तक, तलबात के एप्लीकेशन में ऑर्डर नहीं आ रहा है, क्योंकि तलबात के एप्लीकेशन हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो मेरे कंट्रैक्टर ने यही बताया गया कि फ़ोन को रीसेट ही कर दो, फॉर्मेट ही कर दो, फ़ोन को रीसेट कर दो, फॉर्मेट कर दो, और देखना ऑर्डर आने लगेगा। तो ये मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन जिस दिन काम स्लो था शायद कुछ सिस्टम ही गड़बड़ था, तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। तो मैंने भी अपने एक दोस्त को यही सलाह दिया कि भाई फ़ोन को फॉर्मेट करो। देख रहे हो भाई, परफॉर्मेंस को समझना इतना ईजी है। परफॉर्मेंस के हिसाब में आप चलते रहो, ये नहीं कि ऑर्डर पिकअप कर लिया और सिगरेट पीते हैं, खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, उसके बाद हम जाएंगे, ऐसे आप सोचोगे तो परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम सारा सब कुछ आपको निगरानी करते रहते हैं। और ये फेक जीपीएस वाला बात मैंने भी देखा हूँ, काफ़ी सारे मार्ट के अंदर बैठे रहते हैं लोग, लेकिन इसमें भी निगरानी रखना चाहिए तलबात को सिस्टम से अथवा पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम किस वजह से रखे, पेट्रोलियम को भी समझना चाहिए कि भाई हर कोई बंदा फेक जीपीएस यूज़ कर रहे, इस्तेमाल कर रहे, तो हम जैसे राइडरों को इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि हमें तो फेक जीपीएस, देखो दो नंबरी काम करना आता नहीं है, और ये दो नंबरी काम लोग मैं मुँह पे बोल दूँगा, ये ज़्यादातर पाकिस्तान के भाई लोग ही करते हैं ये दो नंबरी वाला काम। तो ऐसा हरकत मत किया करो यार, ये आपके ऐसे हरकत के कारण से हमारे जैसे गरीब लोगों को यार पेट में क्यों लात मार रहे हो, ऐसा मत करा करो प्लीज़। क्योंकि हम लोग परेशान होते हैं यार, लोन लेके आते हैं, कर्ज लेके आते हैं, कर्जे अभी तक उतरा नहीं है, 4 साल हो गए कर्जा उतरा नहीं है यार। हम लोग इतने भागम दौड़ करते हैं, महीने का 1100 किलोमीटर 1200 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस भगते हैं, 1100-1200 किलोमीटर के लॉन्ग डिस्टेंस 300-400 दिराम आते हैं। और आप लोगों को क्या होता है पता है, मैंने देखा था JBC में एक बंदे का लॉन्ग डिस्टेंस, महीने का एक लॉन्ग डिस्टेंस साला 100 दिराम भी नहीं है, तो सीधा कंफर्म बात है कि फेक जीपीएस है। तो ये फेक जीपीएस वाले को आप कार्रवाई करें, ये बंद कर दो ये सिस्टम। तलबात में इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर है, तो इंजीनियर क्यों नहीं समझते ये बात, ये बात समझना चाहिए। चलिए यार, टाइम तो कुछ ज़्यादा हो गया, सुबह सुबह आया था पहला ऑर्डर लेके, इसमें भी मुझे एक 11 दिरहम 2 पैसे का ऑर्डर मिला। मैं दुबई हिल्स के ब्रिज में मैंने लॉगिन किया और 11 दिरहम 2 पैसे का ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने का कारण ये था कि मुझे परफॉर्मेंस सही करना है। और जैसे मैं मोटर सिटी तलबात मार्ट पे पहुँचे ऑर्डर लेने के लिए, वहाँ पे ऑलरेडी एक पाकिस्तानी भाई बैठा हुआ था, बोल रहा था कि तुम्हें मिल गया ये ऑर्डर, उसे सारा पता है। देखो बंदे को सारा चीज़ पता है कि ऑर्डर किसी को मिला है, क्योंकि वहाँ पर कोई राइडर था ही नहीं, बस मैं और वो बंदा था। वो बंदा बोल रहा है कि देखो मैंने ये ऑर्डर पिकअप नहीं किया, मुझे फिर से दोबारा ऑर्डर मिल गया। तो ऐसा सिस्टम सारा सब कुछ पाकिस्तानी भाइयों को ही पता होता है, तो हम तो ठहरे भाई परदेसी, परदेसियों को क्या पता, खुलेआम हम नहीं कह सकता। लेकिन जो बात यह है कि खुलेआम ये बोल सकता हूँ कि फेक GPS को कार्रवाई करना चाहिए तलबात की तरफ से। देख रहे हो अंडफंड जगह पे आना पड़ता है, लेकिन मैं कहीं पे रुकता नहीं, मैं निकल जाता हूँ। 4 साल होने वाला इस फील्ड में, तो 4 साल इस फील्ड में होते होते सारा कुछ सब कुछ मुझे समझ आ गया है। और परफॉर्मेंस एक ही होता है, YouTube का परफॉर्मेंस, Facebook का परफॉर्मेंस, और तलबात का परफॉर्मेंस, या डिलीवरी का परफॉर्मेंस, या नून का, कुछ भी ऑनलाइन सिस्टम का परफॉर्मेंस एक ही होता है। इसमें उसी हिसाब से काम करना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है। ये समझ लोगे ना तो भाई तलबात क्या, यूट्यूब में भी आप भगोगे। तो परफॉर्मेंस मैंने अपना यूट्यूब का परफॉर्मेंस ख़राब कर लिया हूँ, फेसबुक का परफॉर्मेंस भी ख़राब कर लिया हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल मैं तलबात पर ज़्यादा लगा हूँ, क्योंकि मुझे इस फील्ड से पैसा कमाना है, इस फील्ड से पैसा लेके मुझे यूट्यूब में फेसबुक में इन्वेस्ट करना है, ताकि कैमरा हो गया, ड्रोन हो गया, ये देख रहे हो इतना खूबसूरत डेजर्ट में हूँ, डेजर्ट सफारी जो बोला जाता है, यहाँ पे ड्रोन उड़ाना है, यहाँ पे यार बहुत कुछ करना है। तो परफॉर्मेंस एक ही चीज़ पर फोकस करो, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बनेगा दोस्त, और आपको भी ऑर्डर मिलने लगेगा। इसलिए मैं स्क्रीन शॉट पर आज कल दिखाता हूँ, और मेरे हेटर लोग ही बोलते, पता नहीं हेटर फेसबुक में होता है, यूट्यूब में होता है, लेकिन अब तो अब तलबात अर्निंग में भी हेटर आ गया है, अपने हेटर लोग, पता नहीं क्यों यार मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। चलिए।